चैनल। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत सारे फ्रेंड्स जो आज ये वीडियो देख रहे होंगे उन्होंने अभी अभी एग्जाम्स दिए होंगे एंड आई होप आप लोगों के एग्जाम्स बहुत अच्छे गए होंगे। आई नो मेरे वीडियोस जो है ना वो काफ़ी इरेगुलर आ रहे हैं, लेकिन क्या करूँ, ऑफिस मैं थोड़ी सी पैक्ड हूँ और बहुत जल्द अब मैं खुद के लिए भी एक शेड्यूल बनाना है मुझे कि मैं ऑफिस में अपने पढ़ाई के लिए और कंटेंट क्रिएटिंग के लिए, यूट्यूब के लिए, सबके लिए एक प्रॉपर टाइम अलॉकेट कर सकूँ, ताकि सभी को जो है मैं इक्वल जस्टिस दे सकूँ। मेरे लिए प्रायोरिटाइज कर मैं हर चीज़ को इक्वली जस्टिफाई कर पाऊँ। तो जब वो चीज़ मेरी हो जाएगी तो रेगुलरली आप लोगों को भी फ्रिक्वेंटली, रेगुलरली तो नहीं बोलूँगी बट फ्रिक्वेंट बेसिस पे आप लोगों को मेरी वीडियोज़ ज़रूर मिलेंगे। चलो तो अभी मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगी और ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज का वीडियो शुरू करूँगी, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा पर्टिकुलरली CA स्टूडेंट्स के लिए जो मेरे इस वीडियो का वेट कर रहे थे। आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा और आज का वीडियो जो है आप लोग टाइटल से, थंबनेल से तो समझ ही चुके होंगे। आई नो ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो आप लोग मेरे चैनल पे आए हो इस वीडियो को देखने के लिए। तो बस ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये वीडियो और इससे रिलेटेड आने वाले और भी आगे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को आप लोग मिस ना करो, इसलिए जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके गाइज, तो चलो अभी मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ एंड आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बिग फोर वर्सेस मिड साइज फर्म्स, क्योंकि मुझे भी ऑलमोस्ट अभी एक साल होने वाला है आर्टिकलशिप का। तो आर्टिकलशिप क्या होती है, कैसा होता है, उसका एक्सपोजर वगैरह सब कुछ जो है थोड़ा बहुत ही सही कुछ ना कुछ लेकर अब मैं एक एक्सपीरियंस के साथ और थोड़ा नॉलेज के साथ आज ये वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि जो भी वीडियोज़ मैं बनाती हूँ ना, मैं मेरा एम होता है कि मैं उससे आप लोगों को वो हेल्पफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं ना कि मेरा वीडियो देखने के बाद आपको और भी सर्च करना पड़ रहा है, तो फिर मेरा वीडियो बनाने का क्या मतलब होता है। तो इसीलिए आज जो वीडियो मैं बना रही हूँ ना, काफ़ी लोगों के मन में, मेरे भी मन में ये क्वेश्चन था कि मैं आर्टिकलशिप कहाँ से करूँ, बिग फोर से करूँ, मिड साइज फर्म से करूँ। और बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि बिग फोर यानी होता क्या है, बस लोग कहते हैं बिग फोर से आर्टिकलशिप करना है तो बिग फोर से आर्टिकलशिप करना है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एकदम माइन्यूटली हर चीज़ों के बारे में बताऊँगी, आप लोगों को दोनों के बीच में ऐसा कंपेरिजन कर दे दूँगी कि हाँ आप लोगों को भी हेल्पफुल होगा ये डिसीजन लेने में कि आपको आर्टिकलशिप कहाँ से करनी चाहिए, बिग फोर फर्म से या मिड साइज फर्म से, और कहाँ पे आपको हेल्प होगी आपके करियर डेवलपमेंट के लिए। तो गाइस सबसे पहले आपको बताती हूँ कि बिग फोर फर्म्स यानी क्या। जनरली जो फोर फर्म्स होते हैं जिसको बिग फोर बोलते हैं वो होता है डेलॉइट, KPMG, PwC एंड EY। ये जो फोर फर्म्स है ये बहुत बड़े फर्म्स माने जाते हैं एंड ये जो है आर्टिकल्स को बहुत अच्छा एक्सपोजर देते हैं। दे आर जस्ट टाइप ऑफ MNCs, दे आर एक्चुअली MNCs जहाँ पे हर आर्टिकल का ड्रीम होता है वहाँ पे आर्टिकलशिप करना, ये आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा। लेकिन बिग फोर फॉर्म सभी के लिए सूटेबल नहीं होते हैं। किसके लिए सूटेबल है, किसके लिए नहीं है, किसको वहाँ जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए, आप लोगों को आगे वीडियो में पता चलेगा। और उसके बाद आते हैं मिड साइज फॉर्म्स एंड स्मॉल फॉर्म्स। बिग फोर को छोड़ के और भी कुछ फॉर्म्स हैं जो बिग सिक्स, बिग टेन में आते हैं, और उसके बाद आती है मिड साइज फॉर्म्स और फिर आते हैं स्मॉलर फॉर्म्स। स्मॉल फॉर्म्स में जनरली हम लोग जाना प्रेफर नहीं करते बिकॉज, और स्मॉल फॉर्म्स भी ज़्यादातर आर्टिकल्स को नहीं लेते हैं क्योंकि उनका इतना काम ही नहीं होता है, इतना बेस ही नहीं होता है, तो वो लोग दो तीन लोगों में उनका काम हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे भी CA फॉर्म्स होंगे जो CA फॉर्म्स तो है बट हर CA फॉर्म आर्टिकल्स को नहीं लेता है। ये चीज़ मुझे भी पता चली थी जब मैं आर्टिकलशिप के लिए इंटरव्यू देने जा रही थी ना, तो कुछ ऐसे फॉर्म्स थे जिनके पास में मैं गई और वो स्मॉल साइज़ फॉर्म्स थे, तो मुझे लगा स्मॉल साइज से आई वांट एक्सपोजर, तो वो चीज़ों के हिसाब से मैं वहाँ गई थी। पर उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा फॉर्म ही स्मॉल साइज़ में और हम लोग ज़्यादा आर्टिकल्स को लेते नहीं हैं। तो अगर आप प्रेफरेंस से जा रहे हो स्मॉल साइज़ फॉर्म्स में, या आप लोगों को बहुत छोटे सिटी में आप हो और आप मोबिलिटी वगैरह नहीं करना चाहते हो, तो फिर आप स्मॉल साइज़ फॉर्म्स के बारे में सोच सकते हो। बट मेरा पर्सनली ये सजेशन रहेगा कि प्लीज़ डोंट प्रेफर स्मॉल साइज़, या फिर मैं ये कहूँगी कि try to avoid it as soon as possible या as far as possible, और आप लोग कोशिश कीजिए कि मिड साइज फॉर्म्स या बिग फोर, इन दोनों में से अगर मुझे जाना है तो कहाँ जाना है। तो गाइज बिग फोर फॉर्म्स जो होता है ना, वो उसकी सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप आर्टिकलशिप बिग फोर में प्रेफर करते हो तो एक पर्टिकुलर डोमेन आपको दिया जाता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट या टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, अकाउंटिंग, तो ऐसा आपको एक पर्टिकुलर डोमेन दिया जाएगा जिसके अंदर आपको काम करना है। तो आपको एक ही डिपार्टमेंट में जो है आपका पूरा 3 साल का आर्टिकलशिप का स्पेशलाइजेशन होता है,
तो वो होता है बिग फोर में। वेयर एज अगर आप मिड साइज फॉर्म्स में जाते हो तो आपको मिड साइज फॉर्म में हर चीज़ का एक्सपोजर मिलेगा, आपको डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, हर चीज़ का जो है एक्सपीरियंस आप ले सकते हो। बिकॉज यू नेवर नो कि कल जाके आपका जो मन है, हो सकता है कि आज मैं चाहती हूँ मेरे एग्जाम्स होने के बाद मुझे टैक्स पढ़ते वक्त बहुत इंटरेस्ट आता है तो मैं चाहती हूँ कि मैं टैक्स में काम करूँ, लेकिन प्रैक्टिकली काम करते वक्त मुझे ऑडिट ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसा भी बहुत बार होता है। तो आई थिंक ऐसे सिचुएशन में मिड साइज फॉर्म्स ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि आप लोग फिर हर चीज़ में एक्सपीरियंस ले सकते हो, हर चीज़ का आपको एक्सपोजर मिलेगा। मैं अगर बात करूँ बिग साइज बिग फोर की, तो ऑब्वियसली ये जो फॉर्म्स होती है ना, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होती है, हर सिटी में आपको बिग फोर की फॉर्म्स नहीं मिलेगी। तो अगर आपका ये ड्रीम है कि मुझे बिग फोर से आर्टिकलशिप करना है, तो पहली बात तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी सिटी में बिग फोर की फॉर्म्स हो, और अगर नहीं है तो आपको आपकी सिटी से दूसरी सिटी में जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाके रहना, मोबिलिटी जो है आपको करनी पड़ेगी बिग फोर साइज के फॉर्म्स के लिए। वेयरएज इन मिड साइज फॉर्म्स आपको हर सिटी में, हर टाउन में जो है इजीली मिड साइज फॉर्म्स मिल जाएंगे, तो मोबिलिटी की ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर मैं बात करूँ स्टाइपेंड की, तो ऑब्वियसली नेम और उसके कॉम्प्लेक्सिटी और उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से मिड साइज फॉर्म्स में जो होता है स्टाइपेंड जनरली लो होता है, 5,000, 7,000, 3,000, मतलब 3 to 7, 8,000 तक आपको जो है स्टाइपेंड मिल जाएगा। और वो भी डिपेंड करता है कि आपकी सिटी कितनी बड़ी है, वहाँ कितने आर्टिकल्स हैं, मिड साइज़ में फर्म कितना ऑपरेट करती है, कितना आपको स्टाइपेंड देती है। बट अगर मैं कंपेयर करूँ स्टाइपेंड मिड साइज़ का बिग फोर से, तो ऑब्वियसली बिग फोर के जो स्टाइपेंड होती है ना वो बहुत अच्छी होती है, 10,000, 12,000 के आसपास भी फर्स्ट ईयर आर्टिकल्स को स्टाइपेंड मिलती है। तो ये चीज़ तो है डेफिनेटली कि मिड साइज़ में थोड़ी कम स्टाइपेंड मिलती है, बट बिग फोर में ज़्यादा मिलती है। लेकिन ऑब्वियसली उसके साथ एक चीज़ और आती है कि काम जो होता है ना बिग फोर, क्योंकि बिग फोर जो है नाम से ही समझ लो यार कि बड़ी कंपनी है, MNC है, तो उतना काम भी आपको रहेगा। बट एक पर्टिकुलर डोमेन को ही अगर आप करते हो ना, तो उसको आप कंप्लीट परफेक्शन से करोगे, तो वो साइज में एक्सपोजर वाइज बिग फोर जो है वो बड़ा होता है ज़्यादा। उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लेक्सिबल, इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं बिग फोर साइज फॉर्म्स। अगर मैं बात करूँ फ्लेक्सिबिलिटी की, अभी फ्लेक्सिबल टॉपिक पे आई गई, तो फ्लेक्सिबिलिटी की भी बात कर लूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम छुट्टियों की बात करते हैं, लीव्स का प्रॉब्लम आता है, तो बिग फोर में, बिग फोर क्योंकि कॉर्पोरेट है ज़्यादा, वहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर ज़्यादा होता है, तो बिग फोर साइज में इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। आपको बहुत ज़्यादा स्टिक टू द वर्किंग कल्चर रहना पड़ेगा, कॉर्पोरेट कल्चर के हिसाब से आपको स्टिक रहना पड़ेगा, वर्क फिक्स्ड वर्किंग आवर्स रहेंगे। बहुत बार जो है ना, मैंने बहुत लोगों का सुना है कि अगर आप बिग फोर में आर्टिकलशिप करते हो तो वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं रहता है, स्टडी के लिए आप ऐसे कोई छुट्टी अचानक से आप छुट्टी नहीं ले सकते। वेयरएज इन मिड साइज फॉर्म्स आपका जो है ज़्यादातर, क्योंकि डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता है मिड साइज फॉर्म में, यू आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ योर प्रिंसिपल्स, तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो ज़्यादा होती है मिड साइज में कंपेयर टू बिग फोर। तो ये चीज़ है फ्लेक्सिबिलिटी रिगार्डिंग गाइज। अभी अगर मैं आप लोगों की बात करूँ कि अभी हम क्या करें दीदी, हम कहाँ जाएँ, हम क्या करें, हम बिग फोर में जाएँ या मिड साइज फॉर्म में जाएँ, तो देखो मैंने आप लोगों को डिफरेंसेस तो बता दी कि बिग फोर में क्या है और मिड साइज फॉर्म में क्या है। अगर मैं कहूँ एक्सपोजर वाइज भी, तो ठीक है, अगर आपको हर चीज़ में एक्सपोजर लेना है तो आई थिंक मिड साइज इज़ बेटर। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक पर्टिकुलर डोमेन में आपको स्पेशलाइजेशन करना है तो बिग फोर इज़ बेटर। अब उसके बाद एक और चीज़ आती है कि हम तो आर्टिकलशिप कर रहे हैं, लेकिन हमें आर्टिकल तो भी ना बन के रहना है, हमें तो फ्यूचर में CA बनना है, तो CA बनने के बाद हमारा ग्रोथ प्रोस्पेक्टस क्या होगा। अगर उस रिगार्डिंग सोचे तो आपको अभी से पहले जो है ना प्लान करना पड़ेगा कि आपको आगे जाकर जॉब करना है या प्रैक्टिस करना है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आई थिंक बिग फोर में जाना इज़ नो वेयर सेंस। अगर आपको प्रैक्टिस ही करना है तो फिर मिड साइज फॉर्म इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर इन फ्यूचर। अगर आपको प्रैक्टिस करना है, आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है या पार्टनरशिप में काम करना है, तो आई थिंक मिड साइज फॉर्म आर द बेस्ट ऑप्शंस। बट अगर आपको जॉब करना है, आपको MNCs में जाना है, तो फिर बिग फोर फॉर्म्स जो है वो आपके लिए बेटर ऑप्शन है। और बहुत बार ऐसा होता है कि बिग फोर फॉर्म्स अगर आप आपके आर्टिकलशिप में, आपके रेज्यूमे में लिखते हो कि आपने बिग फोर से आर्टिकलशिप की है, बिग फोर से आर्टिकलशिप करना इज़ ओनली द प्लस पॉइंट कि बहुत जल्दी लोगों को हायरिंग हो जाती है। ऐसा नहीं कि अगर आप मिड साइज से कर रहे हो और आपको आगे जाके जॉब करना है तो डिफ़िकल्टी होगी, बट अगर आपने बिग फोर से आर्टिकलशिप की है तो आपको जॉब्स मिलने में, बड़े बड़े कंपनीज में, MNCs में जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। लेकिन इसी के साथ गाइस, एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट जो ऑब्स्टैकल है वो ये है कि अगर आपको बिग फोर से आर्टिकलशिप करना है तो वहाँ पे एंट्री पॉइंट यानी जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है बिग फोर का, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बहुत सारे लोग
इन अ डे हंड्रेड्स ऑफ रेज्यूमेज जो है वो मेल किए जाते हैं, और उसमें से बहुत कम जो है, मतलब 100 में से वो गिन के 2 या 4 रेज्यूमेज को सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद जो उनका प्रोसीजर होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये तो नहीं कहूँगी कि इम्पॉसिबल है, बट येस, एंट्री टू द बिग फोर इज़ लिटिल डिफिकल्ट। और उसी की जगह अगर मैं मिड साइज़ फॉर्म में करूँ तो ईजीली जो है आप लोगों का एक सिंपल सा इंटरव्यू लिया जाएगा, और आपको मिड साइज़ फॉर्म्स में तो ईजीली आप एंट्री आपकी हो सकती है, हो जाती है। तो बस अभी आगे क्या करना है, तो देखो मैं एक चीज़ तो बोलूँगी कि स्टाइपेंड इज़ नथिंग टू थिंक अबाउट ड्यूरिंग आर्टिकलशिप, क्योंकि आर्टिकलशिप जो होती है, यू शुड नॉट मीन आर्टिकलशिप, और यू शुड नॉट, है ना, मैं ये कहूँगी कि आर्टिकलशिप स्टाइपेंड के साथ मत जोड़ो। आर्टिकलशिप इज़ नॉट मेंट फॉर अर्निंग, इट इज़ मेंट फॉर लर्निंग। तो इसीलिए कितनी फर्म कितनी स्टाइपेंड देती है, मुझे ज़्यादा स्टाइपेंड चाहिए तो मैं बिग फोर में जाऊँ, ये चीज़ बिल्कुल भी दिमाग में नहीं लाना है आप लोगों ने। हाँ, वर्क एक्सपोजर, आपको एक पर्टिकुलर डोमेन में स्पेशलाइजेशन करना है, आपको आगे जाके जॉब करना है, तो फिर बिग फोर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बट अगर मुझे अभी फिक्स्ड ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है कि मैं जॉब करूँगी आगे या प्रैक्टिस करूँगी, या मुझे एक पर्टिकुलर डोमेन में जाना है, या मुझे हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना है, तो फिर मैं ऐसे सिचुएशंस में कहूँगी कि मिड साइज फॉर्म विल बी द बेटर ऑप्शन फॉर यू ऑल। एंड हाँ, अगर फिक्स्ड ही है कि मुझे आगे जाके प्रैक्टिस ही करनी है, मुझे हर चीज़ में एक्सपीरियंस चाहिए, तो फिर उस सिचुएशन में भी मिड साइज फॉर्म्स आर द बेस्ट ऑप्शन। ये ऐसा मेरा कंक्लूजन है। तो मैंने अभी आप लोगों को मेरे तरफ से तो पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है, इसके बाद भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है, यू कैन कमेंट डाउन। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का रिप्लाई दे सकूँ, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को ये कंपैरिजन और कंक्लूजन जो है वो अच्छा लगा होगा, आप लोगों के क्वेश्चंस जो है मन के वो सॉल्व हुए होंगे, क्योंकि अभी एग्जाम्स हुए हैं और उसके बाद बहुत सारे बिग फर्म्स में और कंपनीज वालों ने जो है रिक्रूटमेंट शुरू कर दिया है, आर्टिकलशिप के लिए एप्लीकेशंस शुरू हो गए हैं। आई एम श्योर आप लोग भी कोशिश कर रहे होंगे, आप लोग भी ट्राई कर रहे होंगे, एप्लीकेशंस की तैयारी कर रहे होंगे, रेज्यूमे बनाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। तो बस आपके उन इतने सारे डिसीजंस लेने में, आपकी ये इस मेजर डिसीजन में थोड़ा सा हेल्प मेरे वीडियो ने अगर आपको किया है, तो आप लोगों को पता है ना क्या करना है, इस वीडियो को ढेर सारा लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है, डू कमेंट डाउन, आई विल श्योरली आंसर इट, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। एंड हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और आपको मेरे वीडियोस थोड़े भी हेल्पफुल लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ मेरे वीडियोस देख के आपको हेल्प हो रही है, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल रहे हैं, आपके डिसीजंस लेने में आपको हेल्प हो रहा है, मेरे आर्टिकलशिप के वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है, आर्टिकलशिप प्रोसेस, आर्टिकलशिप रजिस्ट्रेशन के वीडियोज़ ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आर्टिकलशिप ब्लॉग्स अगर आपको देखना पसंद है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलती हूँ आप लोगों से नए वीडियो में, इंटरेस्टिंग से वीडियो में। अगर आप कोई स्पेशल वीडियो, स्पेसिफिक वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना, तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो वो वाला डाल सकूँ। तो चलो गाइज, आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर डिसीजंस, फॉर योर प्रिपरेशंस, फॉर योर आर्टिकलशिप। बाय बाय। Thank you.